So good morning students, today we will do the activity on page number 129. Kaun si activity kar rahe hai? Which is given in your NCERT book page number 129. So ye activity aaj hum karke dekhenge. What is shown in this activity? Kya show kiya gaya hai? Ki freely suspended bar magnet always comes to rest in same direction. सेम कौन से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कि इसको मैंने एक थ्रेड के साथ फ्रीली सस्पेंड कर दिया है और यह हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आएगी एक ही डायरेक्शन में आके रुक जाती है दैट इज डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ सो लेट वी विल चेक हियर ये बार मैग्नेट है इस बार मैग्नेट को मैंने एक थ्रेड के साथ बांध दिया है आई हैव टाई अप दिस मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड थ्रेड के साथ बांध दिया है अब इसको मैं इस स्टैंड के साथ This is a stand. इस स्टैंड के साथ मैं इसको बांध देती हूं ठीक है See? Now you will see students, ये freely suspended magnet किस पोजिशन पे आके रुकती है So हमें मालूम है कि freely suspended magnet है ये कौन सी magnet है This is called bar magnet. Bar magnet है अब ये bar magnet पे आप देखो इसमें दोनों poles show कर रखे हैं Easily, clearly show हो रहे हैं साउथ North. N is indicating north. S is indicating south. अब हमेशा जिस साथ जिस डायरेक्शन में साउथ है उसी डायरेक्शन में आके साउथ और नॉर्थ पोल जिसमें साउथ साइड है वहां पे उस साइड और जिस साइड में नॉर्थ है वहां पे तो नॉर्थ और साउथ जहां पे डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये इंडिकेट होके उसी डायरेक्शन में बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे सो लेट यू विल सी हियर यहाँ पे देखो So we can see this freely suspended magnet अभी थोड़ा थोड़ा हिल रही है और धीरे 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 क्या होगा ये स्टॉप हो जाएगी एंड इट विल लाई इन ए सेम डायरेक्शन ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट वट वी कैन सी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन तो इससे हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ जहां पे If we are standing at a place and we don't know what is our location, हमें हमारी location पता नहीं है तो इस freely suspended magnet से हम identify कर सकते हैं कि हम किस direction में खड़े हैं Yes, so इससे हम क्या find out कर सकते हैं Direction. हमें ये तो पता चल गया We have identified that this comes in the rest position that is north-south direction. अब यहां पे इस side में क्या आ रहा है साउथ और इस साइड में क्या आ रहा है नॉर्थ यहाँ पे इस साइड में नॉर्थ आ रहा है और इस साइड में साउथ आ रहा है अब दिस इज ऑल्सो ए कंपास नीडल इस कंपास नीडल से भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन तो कंपास नीडल में क्या है दिस इज ए ग्लास इसमें ये ग्लास है क्लियरली दिख रहा है आपको इन साइड द ग्लास देर इज ए नीडल विच इज मैग्नेटिक नीडल इस नीडल में क्या शो कर रखा है रेड साइड है वो शो करती है नॉर्थ और दूसरा साइड क्या शो करता है साउथ ठीक है और ये जो डायल है इस डायल के ऊपर नंबरिंग लिख रखी है जिसपे पूरा नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट वेस्ट ऑल द डायरेक्शन आर मेंशन इस डायल के ऊपर सो कंपास नीडल इज हैविंग ग्लास वन नीडल दैट इज शोइंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एंड अदर इज a dial which is showing the reading and direction also north south east west all the directions ab isko sahi disha dekhne ke liye hum kya karte hain always isko aise karenge ki iska north aur yahan pe jo north likh rakha hai usko same lane ki koshish karenge hum so yahan pe dekho students Yes. तो यहां पे देखो अब यहां पे जो रेड लाइन था मैंने इस रेड लाइन पे ही नॉर्थ को कर दिया है तो यहां पे कौन सी डायरेक्शन आ गई है नॉर्थ और इस साइड जहां मैं हूं ये वाली चीज जिस साइड है यहां मेरा जो पेन की इंडिकेट कर रहा है ये डायरेक्शन शो कर रही है साउथ तो इसका मतलब इस साइड ईस्ट यहाँ पे ई लिख रखा है और इस साइड में क्या हो गया वेस्ट सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास नीडल आई हैव फाइंड आउट द डायरेक्शन So there are two instruments which we are used to find direction.
कंपास नीडल एंड बार मैग्नेट, ठीक है। सो नॉर्थ साउथ इससे भी पता चल गई और नॉर्थ साउथ इससे भी पता चल गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।